टुडेज टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ ए टेक्निक वेयर ओनली डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन। यानी कि हम अपने मनपसंद के पोलन ग्रेन से अगर किसी फ्लावर को पोलिनेट करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके ये स्टेप होते हैं इमेस्कुलेशन, बैगिंग। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन क्या है? तो इमेस्कुलेशन का मतलब ये होता है कि ये कोई फ्लावर है, बाईसेक्सुअल फ्लावर है। बाईसेक्सुअल यानी कि जिसमें फीमेल पार्ट भी होता है और आपका मेल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट आपका पिस्टिल या फिर कार्पल या फिर गाइनोशियम बोलते हैं और मेल पार्ट आपका एंथर या फिर स्टेमेन बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम इसमें से बाईसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को निकाल दें, रिमूव कर दें, यानी कि एंथर को निकाल दें, ये मैंने निकाल दिया। ठीक, तो अब ये आपका क्या बन गया? ये आपकी प्रोसेस हो गई इमेस्कुलेशन। यानी कि हमने एक बाईसेक्सुअल फ्लावर था उसमें से मेल पार्ट यानी एंथर को बिल्कुल निकाल दिया, तो अब वो क्या रह गया? केवल फीमेल फ्लावर रह गया और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमेस्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं? पहले तो हम फ्लावर को इमेस्कुलेट करते हैं, यानी कि हम केवल उसमें फीमेल पार्ट को रहने देते हैं, मेल पार्ट को निकाल देते हैं। अब इसको हम या तो बटर पेपर से या फिर किसी पोली बैग से कवर कर देते हैं इस तरीके से, जिससे इस पे और बाहर के कोई पोलन ग्रेन ना आ पाए। ठीक है, कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए हम इसको इस तरीके से कवर कर देते हैं। तो इस नेक्स्ट स्टेप है, ये आपका कहलाता है बैगिंग। ठीक है, बैगिंग के बाद फिर हम इसको ओपन करते हैं एक बार दोबारा से। ओपन करने के बाद जो हम फ्लावर है, अब हम इसको ब्रश से अपने मन चाहे पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर इस तरीके से डस्ट कर देते हैं। ठीक है, डस्टिंग कर देते हैं और इसको फिर दोबारा से हम इस तरीके से बंद कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? अब हमने अपने मनचाहे पोलन ग्रेन इसके अंदर डाल दिए, तो इन्हीं से इसका पोलिनेशन होगा। तो अब ये आपकी प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइज। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? अभी तक हम अपनी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ चुके हैं सारी। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा मेगास्पोर का बनना, मेगास्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ठीक है, और फिर दोनों गैमेट का पास आना बाय पोलिनेशन। ठीक, तो दोनों गैमेट पास हो गए, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पूरी हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये पिस्टिल है और पिस्टिल के ऊपर क्या है? ये आपके पोलन ग्रेन्स हैं। तो अब पोलन ग्रेन क्या बनाएंगे? पोलन ट्यूब। तो एक बार दोबारे से पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर याद करते हैं। ये आपका पोलन ग्रेन था, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, टू सेल स्ट्रक्चर पे ये ज़्यादातर रिलीज होता है। ये वाली जो आपकी सेल है ये जनरेटिव सेल कहलाती है। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली सेल है ये आपकी वेजिटेटिव सेल कहलाती है। ठीक, तो अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या बनाएगी? ये इस तरीके से बनाएगी पोलन ट्यूब। ठीक, और जब ये पोलन ट्यूब बनाएगी तो ये जो जनरेटिव सेल है ये इसके अंदर होगी, इसकी बिल्कुल टिप पे रहेगी और डिवाइड करेगी। डिवाइड करके ये आपके क्या बना देगी? दो मेल गैमेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, पोलन ट्यूब है जो पोलन ट्यूब है ग्रीन कलर में आपको दिखाई हुई है, ये आपकी इस तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, और डिवाइड करते हुए इसकी जो टिप होती है इस पे आपके क्या हैं? जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट बना देती है। अब ये पहुंचती है आपकी एम्ब्रियो सैक के, इस तरीके से आपका एम्ब्रियो सैक है। रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, दो सिनर्जिड्स होते हैं, उनमें ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है, यहाँ पे आपकी एग है, बीच में ये आपके दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ऊपर की तरफ ये तीन एंटीपोडल सेल होती हैं।
तो जो पोलन ट्यूब है इनमें से किसी भी एक सेनेडिट्स के द्वारा अंदर इस तरीके से अंदर एंट्री करेगी। अंदर एंट्री करने के बाद ये अपने दोनों गैमीट रिलीज कर देगी। तो एक गैमीट तो आके यहाँ पे फ्यूज़ कर जाएगा, जो आपका ये वाला फ्यूज़न है ये कहलाता है सिनगैमी। क्या कहलाता है ये? सिनगैमी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर हो गई। पोलन ट्यूब आई, यहाँ से सिनर्जिट्स के द्वारा एंटर करा और यहाँ पे इसने मेल गैमीट रिलीज़ करे, एक आपका यहाँ पे फ्यूज़ हो गया, ये आपका क्या कहलाया? सिनगैमी, ठीक। और जो दूसरा गैमीट है वो आपका यहाँ पे जो ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है। दो पोलर न्यूक्लियाई पहले ही थे, तीसरा आपका ये गैमीट फ्यूज़ हो गया तो ये आपका 3N हो गया, ठीक है। और ये आपका कहलाता है PEC, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। तो इस तरीके से दो डिवीज़न इकट्ठे होते हैं, एक तो आपका सिनगैमी जो कि एग और मेल गैमेट का फ्यूज़न है, और दूसरा आपका पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का, ठीक है। इसको हम इस फ्यूज़न को नाम होता है ट्रिपल फ्यूज़न। तो क्योंकि ट्रिपल फ्यूज़न और सिनगैमी इकट्ठे होते हैं, यानी कि दो फर्टिलाइजेशन इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।